आज सवेरे 4:38 में उज्जैन से पूना के लिए जाने वाली जो ट्रैवल बस है उसका नंबर है MP13P8999। ये बस को आग लगी थी। तो हमें एक फ़ोन आया कि रामवाड़ी के पास में जो जाटपाड़े गांव है यहाँ पे बस को आग लगी है। वहाँ पे 30 प्रवासी थे। बस को पीछे से आग लगी ऐसा ड्राइवर का कहना था। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने किए नहीं है। आग पूरी तरह बुझा दी गई थी और जो 30 प्रवासी थे वो बस में, वो स्लीपर कोच थी, तो पूरे सुखरूप है, पूरे यानी सुरक्षित है। सर वहाँ पे आपकी गाड़ियाँ पहुँची वहाँ पे, तो वहाँ पे फायर, उनका जो फायर एक्सटिंग्विशर वो सब लगा हुआ था गाड़ी में या नहीं, ऐसा कुछ आग बुझाने की उन्होंने पहले से कुछ कोशिश की थी क्या लग्जरी वालों ने? नहीं, लग्जरी बस ने जो उनका परिवहन विभाग के जो नॉर्म्स है तो नॉर्म्स के मुताबिक वहाँ पे अग्नि प्रतिबंधक उपाय योजना करना या फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है। वहाँ पे अभी जो मेरी बातचीत जो कल सवेरे जो आग बुझाने गए जो कर्मचारी उनसे हुई, तो उनका ऐसा कहना था कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह नहीं थे या उनसे आग बुझाने की कोई प्रोविजन हो नहीं पाई, तो इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया था और हम वहाँ जाके पूरी तरह आग बुझा दी गई है। सर 30 प्रवासी वहाँ पे बच गए या बचा लिए गए? अगर समझ लो और ज़्यादा दूर रहता और उसके पास में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे तो नुकसान हो सकता था। नहीं, उनके पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर रहता और कोई भी आग जो है तो वो छोटे पैमाने पे रहती, छोटे पैमाने पे रह के वो बड़ी होती जाती है। तो अगर उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रहते थे और वो बुझाने का प्रयत्न करते तो शायद इतनी बड़ी हादसा हो ही नहीं पाता, इतना बड़ा हादसा हो ही नहीं पाता था।